हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बॉयलर ड्रम लेवल को डिस्कस करेंगे। बॉयलर ड्रम लेवल कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बॉयलर का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इसमें ये बॉयलर का ड्रम लेवल होता है और इसकी ये स्टीम लाइन होती है और एक ये फीड वाटर फ्लो की लाइन होती है। फीड वाटर फ्लो यहाँ से इन करके इस कंट्रोल वाल्व के थ्रू इसमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं जिसके थ्रू ये गुजरता हुआ बॉयलर के ड्रम में पहुँचता है। इसमें 50% स्टीम रहती है और 50% पानी रहता है। तो इसको पानी को मेंटेन करना होता है। अगर इसमें पानी कम हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी ट्यूब लगी होती हैं वो जल सकती हैं। इसके लिए इसमें पानी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो 50% हम पानी मेंटेन करते हैं, बाकी 50% इसमें स्टीम रहती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम दो तरीके से ड्रम का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में ड्रम का जो ड्रम का लेवल होगा वो ड्रम का, यहाँ पर ये लेवल ट्रांसमीटर शो किया है ये टैपिंग के थ्रू, ये ड्रम का लेवल इस पीआईडी के अंदर जाएगा, ये पीवी बन जाएगा और एक ड्रम का सेट पॉइंट दे देंगे सपोज 50%। तो ये पीआईडी क्या करेगी, इस सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए अपना कंट्रोल वेरिएबल को कम और ज़्यादा करेगा। सपोज ये मान लीजिए कोई सेट पॉइंट है, मान लीजिए 50% है। अब पीवी को मेंटेन करने के लिए जैसे ही पीवी ऊपर बढ़ेगी कंट्रोल वाल्व बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी कंट्रोल वाल्व खुलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ड्रम लेवल नीचे जाएगा तो कंट्रोल वाल्व खुलना शुरू हो जाएगा ताकि पानी उसके अंदर चला जाए। तो इस तरह से ये जो पीवी है कुछ साइकिल तक ये इस तरह से ऑक्सीलेशन करते हुए बाद में स्टेबल हो जाती है, इनकी सेट पॉइंट के पास हो जाती है और कंट्रोल वाल्व की जो पोजीशन है वो अपने हिसाब से कंट्रोल वाल्व की पी आई और डी गेन के हिसाब से सीबी को जनरेट करेगा और उसके हिसाब से सीबी जनरेट करेगा। और इसकी पीआईडी की एक क्लास हमने ऑलरेडी कर रखी है, आप हमारे चैनल पर जाके पीआईडी लूप का वीडियो देख सकते हैं। पीआईडी का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो में जाके हम यहाँ पर टाइप करेंगे पीआईडी और इसको एंटर कर देंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये वीडियो, यहाँ पर वीडियो है व्हाट इज पीआईडी एंड हाउ डज इट वर्क। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये वीडियो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पड़ी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये तो सिंगल एलिमेंट में इसी तरह से ये इसमें जब ये कोई लोड कट नहीं होता है या कांस्टेंट लोड चलता रहता है तब उस केस में ये ड्रम लेवल इजीली मेंटेन हो जाता है। अगर ये सडन लोड कट होता है या सडन लोड बढ़ जाता है उस केस में, लोड का मतलब हम स्टीम फ्लो की बात कर रहे हैं, स्टीम फ्लो जो कि इस स्टीम लाइन में एक स्टीम फ्लो का एक फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं और लेवल ट्रांसमीटर को यहाँ से मेजर कर सकते हैं और फीड वाटर फ्लो को ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा है और इससे हम कर सकते हैं। तो जब हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं तो सिंगल एलिमेंट में ड्रम का लेवल होता है जो इसका प्रोसेस वैल्यू बन जाता है और इसमें एक सेट पॉइंट डाल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग पीआईडी कंट्रोल वाल्व को कमांड देगी। और अगर ये सिंगल एलिमेंट में सिलेक्ट है तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट का आउटपुट कंट्रोल वाल्व को पहुँच जाता है और पानी इस तरह से इसके अंदर फीड होता रहता है। अगर हमको सिंगल एलिमेंट में नहीं चलाना और थ्री एलिमेंट में चलाना है तब उस केस में हम सेम ही प्रोसेस रहेगी, सिर्फ सेट पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हम इसकी पीवी जो है फीड वाटर फ्लो हो जाएगी और इसका जो सेट पॉइंट है वो आरएसपी हो जाएगा जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये होती है
फीड वाटर फ्लो की डिमांड, कितना पानी हमको चाहिए। ये डिमांड कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर एक तरह से ये आरएसपी हो गया और ये पीबी हो गया और ये सीबी हो गया। जब ये पीआईडी काम करेगी उस केस में थ्री एलिमेंट में, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट और थ्री एलिमेंट दोनों के आउटपुट यहाँ पर मिलेंगे। अब ये यहाँ पर एक सिलेक्शन रहेगा कि किस को हम एक्सेप्ट करें। तो इस कंट्रोल वाल्व में जब हम थ्री एलिमेंट सेलेक्ट कर देंगे तो थ्री एलिमेंट का पास हो जाएगा और इसके अंदर थ्री एलिमेंट का एक्शन चला जाएगा। यानी कि एक टाइम में दोनों कंट्रोल वेरिएबल निकालते रहेंगे, सिंगल एलिमेंट भी और थ्री एलिमेंट भी, लेकिन हमको कौन सी इस्तेमाल करनी है उसको हम यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल वाल्व को भेज सकते हैं। अब थ्री एलिमेंट में बेसिक जो काम है, जो पानी की डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने इसमें तो सेट पॉइंट सीधा सीधा ड्रम का लेवल हो जाता था, ड्रम का लेवल का, ये ड्रम का लेवल का सेट पॉइंट था डीएल, उसका सेट पॉइंट था। इसके अंदर हमारा जो सेट पॉइंट है वो रिमोट सेट पॉइंट है, यानी कि कैलकुलेटेड फीड वाटर डिमांड, और इसका पीवी जो है वो फीड वाटर फ्लो है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये सीवी निकालेगा एज पर अपने जो भी पी आई और डी गेन के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो कैलकुलेटेड फीड वाटर की फ्लो की डिमांड है उसको कैसे निकालते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। इससे पहले कि मैं इसके फार्मूला को बताऊँ, इसका नाम जान लेते हैं थ्री एलिमेंट क्यों बोलते हैं। थ्री एलिमेंट का मतलब है कि इसके अंदर तीन एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। पहला ड्रम लेवल, ड्रम लेवल ट्रांसमीटर से ड्रम लेवल ले लें। दूसरा एलिमेंट स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर से स्टीम फ्लो, और तीसरा फीड वाटर फ्लो। यानी कि हमारे पास तीन एलिमेंट, ड्रम का लेवल, स्टीम फ्लो और फीड वाटर फ्लो, ये तीन एलिमेंट इसमें यूज होते हैं, इसलिए इसे थ्री एलिमेंट कंट्रोल कहते हैं। अब इसका आरएसपी कैसे निकलेंगे, यानी कि पानी की डिमांड कैसे निकालें, हम यहाँ पर ले लेते हैं फीड वाटर फ्लो डिमांड। इक्वल टू, इसे आरएसपी को बोल सकते हैं, आरएसपी रिमोट सेट पॉइंट, इक्वल टू यहाँ पर हम लेंगे ड्रम लेवल सेट पॉइंट एसपी, ड्रम लेवल सेट पॉइंट माइनस ड्रम लेवल पीबी डीएल पीबी, ये इसका एक करेक्शन आ जाएगा। ड्रम लेवल सेट पॉइंट, ड्रम लेवल पीबी इंटू के वन, ये एक फैक्टर रहेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, प्लस स्टीम फ्लो इंटू के टू। ओके, तो पानी की डिमांड हम कैसे निकालेंगे, एक तो ड्रम लेवल का करेक्शन इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्लस स्टीम फ्लो इंटू के टू, के टू एक इसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेते हैं। अब ये जो सेट पॉइंट निकलेगा आरएसपी, वो थ्री एलिमेंट की पीआईडी का सेट पॉइंट बन जाएगा। यानी कि हम जो ड्रम लेवल का सेट पॉइंट डालेंगे वो ये डालेंगे, हम एंट्री करेंगे, ऑपरेटर जो सेट पॉइंट डालेगा वो इस सेट पॉइंट को डालेगा। ये सेट पॉइंट दोनों जगह जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट में भी और थ्री एलिमेंट के पानी की डिमांड को कैलकुलेशन करने में भी जाएगा। यानी कि हम सेट पॉइंट डालेंगे ड्रम लेवल का, और थ्री एलिमेंट में कोई डायरेक्ट सेट पॉइंट नहीं जाएगा, उसके अंदर कैलकुलेटेड सेट पॉइंट जाएगा, यानी कि पानी की डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज हमने ड्रम का लेवल 50% डाल दिया, और अभी ड्रम का जो
प्रोसेस वैल्यू है वो मान लीजिए 45 चला गया, और K1 की वैल्यू मान लीजिए मैं K1 की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, और K2 की वैल्यू भी हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं। अब तो K1 की वैल्यू हम 1 कर देते हैं, प्लस स्टीम फ्लो मान लीजिए इस केस में 60 चल रहा है, तो मैं इसको 60 ले लेता हूँ इनटू 1, तो ये निकल के आया 50 माइनस 45 यानी कि 5 इनटू 1 यानी कि 5 प्लस 60 यानी कि ये 65 बन के निकला, यानी कि पानी की डिमांड अभी केस में 65 होगी। ड्रम का लेवल अभी के केस में 45 चल रहा है और स्टीम फ्लो 60 चल रही है, तो उस केस में हमने पानी की डिमांड जो है 65 कर दी, यानी कि 60 तो उसकी स्टीम फ्लो चल ही रही है, यानी कि 60 उसका लोड चल रहा है और ड्रम का लेवल 5% नीचे चला गया, यानी कि हमको 60 तो वो देना है प्लस 5% जो करक्शन ये जो मिल रहा है 5% सेट पॉइंट से नीचे चला गया, तो 5% वो, यानी कि हमारी जो पानी की डिमांड है वो 65 हो गई। तो इसमें 65 इसका RSP बन जाएगा और फीड वाटर फ्लो इसका PV बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल वेरिएबल निकालेगा और वो कंट्रोल वाल्व को पोजीशन को जाएगा ताकि वो अपने लेवल को मेंटेन कर सके। अब अगर मान लीजिए एक दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए अभी ड्रम लेवल आपका 50 चल रहा है, दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस टू हो गया। अब मान लेते हैं हम ड्रम लेवल भी 50% बना, 50% सेट पॉइंट है और 50% ही ये प्रोसेस वैल्यू है इसकी, उस केस में क्या होगा, 50 माइनस 50 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 1 यानी कि 0 प्लस 60 यानी कि उस केस में 60, यानी कि जितना हमारा लोड चल रहा है उतना ही पानी हमको भेजना है, यानी कि लोड चलते हुए भी हमको पानी भेजना है, यानी कि अब 50% मेंटेन हो गया फिर भी हमारा 60 टन जो पानी है वो उसमें भेजते रहेंगे। ये एज पर थ्री एलिमेंट में हम पूरा कंट्रोल वाल्व बंद नहीं करते हैं, यानी कि पानी को पूरा बंद नहीं करते हैं, जब भी लेवल मेंटेन होने के बाद भी, जैसे कि 50% हमारा ड्रम लेवल मेंटेन हो गया उसके बाद भी हमारा जितना लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पानी को भी भेजते रहेंगे ताकि हमारा लेवल में सडन पानी की डिमांड ना आ जाए। तो इस तरह से हम थ्री एलिमेंट के RSP को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें तो हमने स्टीम फ्लो सेम ले लिया है, स्टीम फ्लो भी हम कंपनसेटेड स्टीम फ्लो लेंगे तो इससे और अच्छा कंट्रोल लूप कंट्रोल होता है। तो इस तरह से हम सिंगल एलिमेंट और थ्री एलिमेंट में प्रोसेस को बॉयलर के ड्रम के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर बता दिया है, ये जो भी RSP बना ये पानी की डिमांड होती है, ये डिमांड थ्री एलिमेंट के PID में जाती है और फिर उसके अकॉर्ड कंट्रोल वेरिएबल निकलता है, और फिर इसमें थ्री एलिमेंट अगर सेलेक्ट है तो इसके थ्रू इस कंट्रोल पानी के कंट्रोल वाल्व को चली जाएगी कमांड और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी और उससे हमारा ड्रम लेवल मेंटेन होने लगेगा। तो इस तरह से हम बॉयलर के ड्रम को कंट्रोल करते हैं, पहला सिंगल एलिमेंट है, दूसरा थ्री एलिमेंट है। तो इस तरह से हम सिंगल एलिमेंट और थ्री एलिमेंट में बॉयलर के ऑपरेशन को, बॉयलर के ड्रम लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे और PLC में डाउनलोड करके इसको टेस्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।